उदाहरण 16, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हल, 100 और 200 के बीच की विषम संख्या है 101, 103, 105 और इसी तरह से अंत में 199। संख्याओं के उपर्युक्त श्रृंखला का श्रृंखला संख्याओं की उपर्युक्त श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें दो पदों का अंतर सर्वांतर दो है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है a बराबर 101, अंतिम पद l जिसे हम कहते हैं l से, अंतिम पद l बराबर 199 और उसी तरह से सार्व अंतर d जो है वो 103 में से 101 को घटाएंगे तो 2 है। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है, तब nवा पद बराबर 199। अब हम जानते हैं कि nवे पद का सूत्र a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद d बराबर 199। a हमारे पास प्रथम पद है 101, तो a बराबर 101 दिया हुआ है। n हमें ज्ञात करना है और डी जो है सर्व अंतर 2 है बराबर 199। उसी तरह से अब हम 101 का पक्षांतर करेंगे और n ऋण 1 के बाहर जो 2 है उसको कोष्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा 2n ऋण 2 बराबर 199 और 101 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 101। इसी तरह से 2n ऋण 2 बराबर 199 में से 101 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 98। तो 2n बराबर 98 और ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो धन 2। इस तरह से n बराबर 98 और 2 का योग 100 और 2 का पक्षांतर करेंगे बटा 2 बराबर यहाँ n का मान हमें 50 प्राप्त हुआ। इसलिए 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल Sn बराबर n बटा 2 और a धन l हमारा सूत्र है। तो s 50 बराबर 50, n का मान 50 आया था तो n के स्थान में 50 बटा 2 कोष्टक में 101 धन प्रथम पद 101 है और अंतिम पद हमारा l जो है 199 है। इस तरह से 50 बटा 2 25 हुआ और इन दोनों को 101 और 199 का योग होगा 300 और 25 को जब हम 300 से गुणा करेंगे तो 7500 हमें प्राप्त होता है। इसलिए 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल 7500 है। यह इस उदाहरण का हल है।